एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। ये पूर्व आईपीएस हैं और पूर्व मंत्री जी हैं, रुस्तम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। गौ सेवा करते हैं, उनके फार्म पर हैं हम आज, उनके बंगले के पास में हैं। और ये गाय को, उनका प्रतिदिन का जो रूटीन है वो गाय को रोटी खिलाते हैं। ज़रा दिखा दीजिए, देखिए कितना बेहतरीन तरीके से उनमें आपसी प्रेम है गौ माता से। और रुस्तम सिंह जी जो है ना, उनको दुलार भी करते हैं और बेहतरीन तरीके से वो यहाँ गाय हैं, बंधी हुई हैं, गौ माता हैं, उनको रोटी खिलाने का काम करते हैं और इनका डेली रूटीन में शामिल है। हालांकि अभी चुनाव चल रहा है, उससे कोई तात्पर्य नहीं है, इनका ये डेली का रूटीन है। सर नमस्कार, सर स्वागत है भाई। और गायें रह गई अंदर? अच्छा, अभी गाय और हैं, अभी उनका रूटीन, अभी ड्यूटी पूरी नहीं हुई है। और आज हम इनके साथ सिर्फ अपना फिटनेस बना के रखी है उन्होंने, और बेहतरीन तरीके से ये सारा जो खेती से संबंधित चीज़ों को देखते हैं और डेली रूटीन भी करते हैं। पॉलिटिक्स में भी इनकी हस्तक्षेप रहता है। अभी इनके बेटे को बीएसपी से टिकट मिल चुका है और ये लगातार देखिए, ये अलग अलग जगह पर गाय बंधी हुई हैं, वहाँ चलेंगे। और देखिए ये फार्म्स बने हुए हैं। और सर ये धान का जो खेती है, उस गांव तक इनकी दूर दूर तक खेती है, पुश्तैनी ज़मीन है, और यहाँ ये खेती की पूरी देखभाल करते हैं। और बहुत ही देखभाल का तात्पर्य है, लोग लगे हुए हैं लेकिन इनके इनका संरक्षण में सारी चीज़ें होती हैं, इनके निर्देश के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। और ये बिल्कुल सभी लोगों को समय देते हैं, लोगों से मिलते हैं। और बाकायदा अभी देखिए कुछ रोटियां और रह गई हैं, चपाती, वो उनको खिलाएंगे गायों को, फिर उनसे थोड़ा सा हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर अभी वर्तमान में सर जो आपकी डेली रूटीन है, सर कैसे, क्या दिनचर्या रहती है? सर मेरी दिनचर्या वैसी है, जब मैं एसपी बड़े बड़े शहरों को रहा जी, जबलपुर का, इंदौर का, रायपुर का, लगातार 8-10 साल एसपी रहा जी जी, तब भी मेरी दिनचर्या यही थी जी। सवेरे जल्दी जग जाना, 4-4:30 बजे जग जाना जी, दौड़ना, अच्छा, एक्सरसाइज करना, खेलना। आज भी दौड़ते हैं सर? हाँ आज भी। अरे वाह, वेरी गुड। दौड़ते नहीं लेकिन एक्सरसाइज करते, तेज चलते हैं, तेज चलते हैं, एवरेज 12-10 किलोमीटर अभी भी करते हैं आज। अभी रिटायरमेंट के बाद, इतने वर्षों के बाद आप आज भी फिट हैं सर, क्या राज है आपकी फिटनेस का? रहते हैं हम तो, क्या राज है सर फिटनेस का? सर नहीं नहीं, राज कुछ नहीं, नेताओं को बताइए, उनको निर्देश जाएगा, उनको जाएगा। राज ये है कि मैं, हम जो है ना जी, मैं जीवन में अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोई स्मोकिंग नहीं, कोई शौक नहीं, पान तक नहीं खाया। चाय जिंदगी में तब पी जब मैं पॉलिटिक्स में आया। पुलिस सेवा में रहे हैं जहां पर कई तरह के भ्रामक चीजें मिलती हैं और इस तरह के व्यसन भी होते हैं, लेकिन इनका कहने का जो ये जो कह रहे हैं कि मैंने आज तक के इस तरह की चीज़ों को हाथ नहीं लगाया। डेली का रूटीन है इनका, गाय माता को, गाय के बच्चों को, बछड़े को खाना खिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, डेली रूटीन है। देखिए ये लगातार 2-2 रोटियां खिलाते हैं, इनकी घरेलू गाय हैं, इनका ही सारी जो व्यवस्था है, उनको दुलार करते हैं और चपातियां खिलाते हैं। अरे भैंस है, भैंस को नहीं, उन्होंने छोड़ दिया है। तो सर अभी राजनीतिक समागम चल रहा है मध्य प्रदेश में, थोड़ा बहुत कुछ बोलना चाहेंगे सर? नहीं कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। अच्छा सर, आपके सुपुत्र ने अभी सदस्यता लिया बीएसपी में? अब वो आप तो जानते हैं सबको, मेरे काहे पूछ रहे हैं। ली है उसने, सदस्यता ली है, वो चुनाव लड़ रहा है, सब अपनी जगह पे है। लेकिन मेरा ये कहना है तो राजनीति है जी। सर 2 मिनट यहाँ खड़े होंगे, सिंपल से बात करेंगे। तो सर आप भी मतलब पूरा सहयोग कर रहे हैं उनको? अरे परिवार में सबका सब सहयोग करते हैं, उसमें कौन सी खास बात। खैर ओके ओके, चलिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री आईपीएस और रुस्तम सिंह जी, हमें इनसे बात हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुंदर सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। जय हिंद।